हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी। छोटी मोटी सी भूख के लिए आज हमने बहुत ही अच्छी, बहुत ही छोटी सी, बहुत प्यारी सी रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। चावल का ढोकला बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है। आप जब मन में आए तब बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चावल का ढोकला बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल से ढोकला बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी बासमती चावल। अच्छी तरह से धो लेंगे। दो तीन पानी से हमें चावल को अच्छी तरह से धो लेना है। चावल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अब मैंने चावल में 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। ढक्कन लगा देंगे और 1 घंटे के लिए इसको ढक के इस तरह से रख देंगे। 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। चावल बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं। अब हम चावल को निकाल करके एक जार में डाल लेंगे। थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। एक हरी मिर्च हमने कट करके रखी है, हरी मिर्च भी डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे आधा कटोरी दही। दही यहाँ पे हमने 1-2 दिन पुरानी ली है ताकि ढोकले में थोड़ा खट्टापन आ जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। ढोकले के लिए चावल का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम चावल का जो हमने बैटर तैयार किया है इसमें 1/2 कप सूजी भी डाल देंगे और ढक्कन लगा करके एक बार इसको चला लेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और तैयार हो जाए। देखिए, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। घोल को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब आप नमक टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा इसमें और डाल सकते हैं। देखिए, हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल सही है, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है। हमारा स्टीमर जो है वो भी रेडी हो चुका है। पानी मैंने बॉईल होने रख दिया था, वो गर्म हो गया है और मैंने यहाँ पे सेपरेटर में ऑयल भी लगा दिया है। बैटर भी हमारा रेडी है। अब सेपरेटर को हम साइड में रख देंगे और ढोकले में 1 चम्मच इनो मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इनो डालने के बाद हमें बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है। अब हम फटाफट से इसको सेपरेटर में ट्रांसफर कर देंगे, टैप कर देंगे। पानी बॉईल हो गया है। अब हम स्टीमर में सेपरेटर को रख देंगे, ढक्कन लगा देंगे और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने ढोकले को 20 मिनट पका लिया है। ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। देखिए, टूथपिक भी एकदम क्लीन निकली है। इसका मतलब हमारा ढोकला एकदम अच्छे से पक चुका है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। हमने लिया है एक फ्राई पैन और लगभग 1 से 1.5 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। 1 छोटा चम्मच हम राई के दाने डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हम तिल डाल देंगे। 3 हरी मिर्च मैंने कट करके रखी हैं, इसको भी हम ऑयल में डाल देंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। ढोकले का बघार हमारा बिल्कुल रेडी है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ढोकला ठंडा हो चुका है और देखिए, ठंडा होने के साथ साथ इसने साइड्स जो है यानी कि किनारे छोड़ दिए हैं। एक बार हम फिर भी नाइफ घुमा लेंगे इसमें और एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा चावल के आटे का ढोकला बनके तैयार हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसमें कितने अच्छे से जाली भी बनके तैयार हुई है। अब हम ढोकले के पीस कट कर लेंगे। आप जैसा चाहें उस शेप में कट कर सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। ढोकले के पीस हमने कट कर लिए हैं। अब हमने जो बघार तैयार किया था उसको ढोकले के ऊपर लगा देंगे। देखिए कितना बढ़िया और कितना टेस्टी लग रहा है। आइए सर्व कर देते हैं। हमारा
हमारा चावल के आटे का ढोकला बिल्कुल रेडी है, हमने सर्व भी कर दिया है। तो फ्रेंड्स रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।